नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग। कन्नौज लोकसभा से सपा प्रत्याशी के रूप में डिंपल यादव की घोषणा के बाद सपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर छा गई। कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर आतिशबाजी छुड़ाई और ढोल की थाप पर जमकर थिरक कर खूब जश्न मनाया। कन्नौज से आशीष वर्मा की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग। डिंपल यादव की कन्नौज लोकसभा से लड़ने की ऐलान किया गया समाजवादी पार्टी द्वारा। कन्नौज के लिए मुकाबले थे, जश्न में डूब गए, क्योंकि माननीय डिंपल यादव जी ने कन्नौज का बहुत विकास कराया। वहीं कन्नौज के वही लोग हैं जिन्होंने डिंपल यादव को एक इतिहास बनाने का काम किया था। डिंपल यादव को कन्नौज की धरती से लोकसभा निर्विरोध भेजा था। ये समाजवादियों का गढ़ है, लोहिया जी की कर्मभूमि है। आज फिर लोगों ने तमाम दिनों से मांग चल रही थी, महिलाएं मांग कर रही थी, नौजवान मांग कर रहे थे कि माननीय डिंपल यादव चुनाव लड़े या माननीय फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़े। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं लड़ सके, वो शायद जैसा निर्णय लिया हो, लेकिन उन्होंने डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाकर कन्नौज के लोगों पे बड़ा उपकार किया है।